नमस्कार, मैं रजनीश हूँ और हम लोग अभी बिहार के सिवान में हैं। ये सिवान का जेपी चौक इलाका है और ये भोला जी की चाय दुकान है, जो कि यहाँ पर लोग हर शाम में झुकते हैं और पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं। बगल में ही कचहरी है। सिवान में 25 मई को मतदान है छठे चरण में, लेकिन अभी से ही यहाँ की सियासत गर्म होने लगी है। सिवान की पहचान रही है बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के रूप में, लेकिन उनका भी टाइम खत्म हो चुका। जब नीतीश कुमार 2005 में आए तो यहाँ की सियासत तेजी से बदली। यहाँ से हिना शहाब, जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में आने की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा जदयू जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो रमेश कुशवाहा हैं, जो कि एमएलके कभी कैंडिडेट हुआ करते थे। तो यहाँ के आम लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ की लड़ाई क्या तीतरफा होगी, दोतरफा होगी, कैसे होने वाली है। पहले शुरुआत भोला जी से ही करते हैं, बताइए अभी यहाँ क्या माहौल है। माहौल तो सब ठीक है, यहाँ का माहौल तो हमारे माने हम तो बनिया है, बनिया व्यवसाय का तो वोट तो उसी जगह पे देगा जो कि सुरक्षित जगह पे दे और सुरक्षित रहे। इसके पहले भी हम लोग दिए हैं वोट और सुरक्षित अभी तक भी हम लोग हैं, मगर अब हम लोग चुनाव में इस चुनाव में बदलाव चाहना चाहते हैं। जो व्यक्ति नज़र में आएगा उसको हम वोट देंगे, या निर्दलीय हो या कोई पार्टी का लोग हो, जो बनिया व्यक्ति होगा उसको हम लोग वोट देंगे। इससे हमारे बनिया व्यवसाय खुश रहे। हम सर, मैं शायद मिस कर गया था, यहाँ से रमेश कुशवाहा की पत्नी है ना, जदयू से? हाँ, जदयू से उम्मीदवार है, मैंने उनको बता दिया था। तो उनकी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार है। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप बताइए यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का बदलाव है और निर्दलीय के साथ सब कोई है। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब 2004 में आखिरी बार यहाँ से शहाबुद्दीन चुनाव जीते, तो इतने सालों में ऐसा क्या हो गया कि आप बोल रहे हैं कि निर्दलीय के साथ हैं? विकास नहीं हुआ 15 सालों में। निर्दलीय मतलब आप खुल के बोलिए ना, हिना साहब के साथ। हाँ, हिना साहब के साथ हम लोग हैं निर्दलीय। आप नाम क्या बताया? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आपका क्या नाम है? सत्यम। सत्यम, लेकिन आप लोग राहुल सत्यम इसे बताइए कि हमने यहाँ पर सुना कि आरजेडी भी उनको टिकट ऑफर कर रही है हिना साहब को, लेकिन वो नहीं चाहती है कि आरजेडी के टिकट से लड़े, ऐसा क्यों है? आरजेडी के बारे में तो कहा जाता है उनको यादवों को वोट मिल जाता, मुसलमानों का वोट मिल जाता। सबको उनके साथ है, यादव मुस्लिम सबको ही साथ है, बनिया सबको, कुशवाहा समाज सबको ही साथ है, हिना साहब के साथ। तो आरजेडी के टिकट से लड़ने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, वो ऊपर का मामला है, उसमें हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं कर, हम लोग हिना साहब के साथ है बस। आप लोग बताइए कि उनको आरजेडी से टिकट लेने में क्या दिक्कत हो रही है? अब तो ये ऊपर वाला लोग ही जानेगा ना, हम लोग क्या जानेगा, हम लोग तो आम जनता है, हम लोग तो वोट देना है, बस यही हम लोग कहती है। बदलाव चाहिए सिवान में, बदलाव होगा और अब की बार ऐसा बदलाव होगा, ठीक है, सब कोई जानेगा। किस तरह का बदलाव लोग आप लोग चाह रहे हैं, मतलब कैसा बदलाव चाह रहे हैं और क्या मतलब सिवान की कुछ समस्याएं हैं कि जिनके लिए आप बदलाव चाहते हैं? समस्याएं तो बहुत ज्यादा है, पहले के मुताबिक पहले जो एमपी थे वो कुछ काम किए है नहीं, जो भी काम किए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ही किए हैं। तो शहर में हम घूम रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत काम यहाँ पर हुआ है? मतलब अगर पहले भी काम हुआ रहता तो यहाँ के कॉलेज, यहाँ के स्कूल, गली नाली, गंदगी भी बेशुमार दिख रही है, तो काम क्या हुआ है पहले जो कि अभी तक है वो? पहले बहुत पहले 2004 से बाद, 2004 से जो एमपी साहब थे तभी तब काम हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ। ऐसा क्या बोला काम करवाया था वो शहाबुद्दीन जी, आपको पता है कुछ? ये लोग कह रहे हैं कि पहले बहुत काम हुआ था। बहुत काम भइल बा। क्या भइल बा? सब स्कूल बनल है, कॉलेज बनल, कुल कौन कौन मेडिकल बनल, आई तक सारा चूना पेंट ना हुआ, जो बना के गए कह गए। एक यहाँ के स्थानीय पत्रकार मकबूल हैं, आप इधर आइए। जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जो एमएल वाली पहचान है उससे इनको दिक्कत है, लेकिन इनको शहाबुद्दीन की जो एक पहचान थी उनसे दिक्कत नहीं है, तो एक क्या मतलब है, एक कैसी एक इक्वेशन कैसे बदल रहा है? अब देखिए, जो किसी का फेवरेट हो जाता है उसकी कमी शायद नजर नहीं आती है, उसकी अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। अब फेवरेट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार हम लोगों ने अपने स्तर से जो भी देखा है, हर समाज में कुछ लोग ये कहते हैं कि हिना साहब शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, मुसलमानों की नेता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, शहाबुद्दीन साहब सांप्रदायिक नहीं थे, सारे समाज के नेता थे। तो मैं समझता हूं कि हिना साहब के साथ इस बार जो इक्वेशन बन रहा है वो सवर्ण समाज से भी लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं कि इस बार देंगे। सवर्णों के साथ शहाबुद्दीन की अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छी बॉन्डिंग थी,
तीन बार से वो चुनाव लूज की, सवर्ण समाज का संभवतः वोट नहीं मिला। यादव समाज यहाँ पर हिना शाह को कभी वोट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यादव समाज को जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यादव समाज पार्टी से पार्टी बेस पर कभी वोटिंग नहीं करते हैं। यादव समाज के लोग बिहार में तो कहा जाता है कि लालू यादव जिस तरह की क्वेश्चन थोड़ी अलग है। यादव अगर कोई नेता खड़ा होता है चाहे वो बीजेपी से हो निर्दलीय से हो तो सिवान के जो यादव लोग होते हैं वो लोग उस नेता को अपने चुनते हैं, पार्टी लाइन पर वो लोग नहीं वोटिंग करते हैं। तो इस बार हिना साहब की जो हम अपने स्तर पे देख रहे हैं कि हर जगह से खास करके जो हिंदू समाज है उसमें से भी बहुत बड़ा एक तबका ऐसा महसूस कर रहा है कि इस बार हिना साहब आनी चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ। ओम प्रकाश जी बताइए, सिवान का समीकरण इस बार क्या मतलब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है या फिर प्रधानमंत्री चुनने के नाम पर वोट होगा, कैसे वोट होगा? देखिए, प्रधानमंत्री चुनने पर इस बार वोट नहीं होगा, इस बार विकास पर वोट होगा। वो कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो किसी के माध्यम से करेंगे ना, नेता चुनेंगे, सांसद बनाएंगे? वो तो अभी देखा जा रहा है, अभी तो पूरा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है, यहाँ तो पार्टी जिसको वोट जिसको टिकट देना चाहिए उसको टिकटें नहीं दिया। जैसे कि जदयू में बहुत सारे कदवार नेता थे, लेकिन उन्होंने ऐसा मतलब कि नेता चुना है जो कि हम लोग की बात को लोकसभा में परोसे, वैसे नेता चुनना चाहिए। क्या नाम बताया? अंजय कुमार श्रीवास्तव। तो अभी जब यहाँ पे कास्ट सेंसस हुआ, जो कास्ट सर्वे हुआ, तो कहा गया कि आरजेडी ने जो टिकट का बंटवारा किया है जिलावार, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि किस जाति की सबसे ज्यादा आबादी है, तो टिकट भी उसी आधार पर। जाति गणना जो हुआ है ना वो फॉल्स हुआ है, ठीक है, रियल कोई जाति गणना नहीं हुआ है। कागज में क्या है नहीं है तो या तो जो करवाया है वो जानता है, जब किया है वो जानता है। वो तो जो कथित अपर कास्ट वाले हैं उनको तो ठीक नहीं लग रहा है जाति। ये गलत बात कह रहे हैं, ऊंचा जाति का फॉरवर्ड है बेकवार्ड है, ये सब गलत बात है, ये बात मत बोलिए, ठीक है। पर जो जाति गणना हुआ है ना वो रियल नहीं हुआ है, जो करवाया है वो जानता है और जो किया है वो जानता है, आम जनता नहीं जानती। तो सिवान की लड़ाई एक तरफ से जदयू या एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा है, दूसरी तरफ से आरजेडी ने अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है कि उनकी तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। कहा जा रहा है कि आरजेडी पसोपेश में है कि वो किसको उम्मीदवार बनाए। तीसरी तरफ से हिना शहाब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, शहाबुद्दीन की पहचान एक बाहुबली नेता के रूप में रही है, जेल में भी उनको सजा मिली, वो भी मैदान में आने के लिए कह रही है, वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगी। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए ऐसा लग रहा है कि लड़ाई तीन तरफा हो सकती है। यहाँ पर 25 मई को मतदान है, तब तक बहुत चीजें बदलती हैं। सिवान कितना बदलता है तब तक इंतजार करना होगा।